नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी? आप सभी को पहले तो हैप्पी न्यू ईयर की बहुत बहुत बधाइयाँ, और मेरी तरफ से सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो ये कल तो आपकी ये वीडियो आ नहीं पाई थी, एक दिन का गैप हो गया था किसी कारणवश। आज दोबारा मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ, मैथ का थर्ड पार्ट है ये, तो आज इसे हम सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट तो इसमें देखते हैं आप दोस्तों कितने कर सकते हैं, 20 में से आप की कितनी क्वालिफाई की जाएंगी। तो आते हैं पहले सवाल पर। भाजक भागफल का 25 गुना है और शेष फल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य है। तो ये सवाल वैसे तो आपने कर रखा होगा, तो टाइम को ना गवाते हुए इसका आंसर हम बता देते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे, तो वह संख्या बताओ कौन सी है। तो ये साथियों, ये एक बात है कि आपको जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि उन्हें देखकर आपको पता चलना चाहिए कि ये भाई इसमें क्या लगना है, ये कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है। कि कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि परसेंटेज दिया रखता है, लेकिन वो अनुपात वाले तरीके से होते हैं, और कुछ में परसेंटेज दिया रहता है और वो मिश्र समानुपात वाले तरीके से भी हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम समय को गंवाते हुए नहीं, तो इसका ऑप्शन बता देते हैं, क्योंकि यहाँ सॉल्व करने के लिए ये क्योंकि टेस्ट है एक तरह से। तो चलते हैं इसका ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आ चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है और इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फोर आ चुका है साथियों, कि 6 मेज और 12 कुर्सियाँ 7800 में खरीदी। यदि एक मेज का मूल्य, औसत मूल्य 750 हो तो एक कुर्सी का औसत मूल्य कितना है। तो इसमें आपको करना क्या है कि इसमें पहले देखो, ये औसत का सवाल है, इससे आपको पता चल रहा है साहब की औसत का सवाल है। तो इसे औसत के तरीके से करेंगे या किस तरीके से करेंगे, इसे सॉल्व करना चाहिए पहले। कि 6 मेज और 12 कुर्सियों का टोटल 7800 रुपये है, तो आप देख सकते हैं इसमें कुर्सी का औसत मूल्य पूछा है, तो इसमें खाली हमें एक मेज का दे रखा है। तो आप मेज कितनी खरीदी है उन्होंने, 6 मेज, तो 75 × 6 साथियों, कुछ मिस वो वीडियो के बीच में कॉल आ गई थी इसलिए थोड़ी दिक्कत हुई। चलते हैं अपने दोबारा सवाल की ओर बढ़ते हुए। 6 मेज और 12 कुर्सियाँ 7800 रुपये में खरीदी, यदि एक मेज का औसत 750 होता है, एक कुर्सी का औसत मूल्य कितना है। तो 6 मेज और 12 कुर्सियों को 75 × 6, तो 6 मेज का कितना हो जाएगा। ₹4,500 और 7800 रुपये में से 4,500 घटा देंगे, और हमें 12 का निकालना है, तो ये हमारा हो जाएगा 3,300 को हम अब इसमें 12 से भाग दे देंगे, क्योंकि हमें 12 कुर्सियों को निकालना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर।
एक विद्यालय में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 10,000 रुपये है, उनमें 20 शिक्षकों का औसत वेतन 12,000 रुपये और शिक्षकों से इतर कर्मचारियों का औसत वेतन 5,000 है। तदनुसार शिक्षकों से जो इतर कर्मचारियों की संख्या कितनी है, मतलब शिक्षकों से इतर कर्मचारियों की संख्या कितनी है, इस सवाल में हमें ये बताना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 5 है ये, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इस सवाल का। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। ये समानुपात का समान है, इसमें आपको अनुपात समानुपात का समान है, आपको अनुपात समानुपात बताना है ए बी और सी, कि ए बी सी में क्या रेशो हो जाएगा। तो इसका चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं मित्रों नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सवाल पर सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66.2% खर्च करता है, वह प्रतिमास 1200 रुपये बचाता है, तो उसका व्यय प्रतिमास रुपये में कितना है। आपको पता है कि मैंने एक वीडियो ये रखी है फ्रैक्शन के ऊपर, आप उसे देख लें और फिर फ्रैक्शन याद कर लें, जिससे कि आपको ये सवाल करने में कोई भी कठिनाई ना हो। इस तरीके से फ्रैक्शन वाले सवाल जो आते हैं उसमें आपको पहले आप अगर वीडियो देख लेंगे तो आप आराम से फ्रैक्शन सॉल्व कर सकते हैं, और फ्रैक्शन को प्रैक्टिस में यूज करेंगे तो ये जब याद हो पाएगी वो। तो इस सवाल का उत्तर जाता है क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है, यदि उस वस्तु को 78 रुपये में बेचा जाए तो लाभ या हानि परसेंट क्या होगा। इस वस्तु को 69 रुपये बेचने पर 8% की हानि होती है, तो पहले इसका हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे 79, 8% की हो रही है हानि 23 चौका 92, 23 दिया 69, ठीक है साहब, 4 से काटेंगे 25, 25 दिया 75, तो हमारा किराया मूल्य 25 रुपये आ जाएगा। अब 25 रुपये पर 3 रुपये का लाभ, 25 दिया 75, 2500 का 100, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे और 3 का लाभ है, 4 3 12 या 3 से 3 काट दो, 4% का लाभ, तो इसमें लाभ होगा 4% का, ऑप्शन नंबर सेकंड में जाएगा ये, 8वां सवाल था ये। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। साथियों इन सवालों में जो ये सवाल आया है कि 18 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, इस सवाल में आप देखते हैं कि दिमाग थोड़ा चकरा जाता है कि किस प्रकार से सवाल को हल करा जाए। तो इसमें सिंपलीफर क्या करना है कि हमें पहले तो सवाल को एक बार पढ़ लें ढंग से, और फिर तो इसमें लाभ परसेंट पूछता है कि कितना होगा लाभ परसेंट। तो नॉर्मली इन सवालों में क्या करना है आपको, जो वस्तु 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसमें करना क्या है आपको, आपको सिंपली जो वस्तु का क्रय मूल्य है ना, उन वस्तु जैसे 18 वस्तु है का 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो एक तरह से एक ट्रिक है, इसके आगे 200 से गुणा करनी है आपको जो क्रय मूल्य वाली संख्या है, और जो विक्रय मूल्य वाली संख्या है उससे इसे भाग दे देना है। तो दे देते हैं एक बार, 3 से काटेंगे 3 5 15, 3 6 18, ठीक है, 5 से 25,
बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले की ओर। एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है, उसे मौसम समाप्ति के बाद 736 रुपये में बेचने का प्रस्ताव है, तो प्रस्तावित छूट और कितनी है? तो मैंने आपको बताया था कि छूट वाले क्वेश्चन यानी कि बट्टा वाले क्वेश्चन में आपको एक सूत्र बताया था मैंने, उस सूत्र में रख के आपका आराम से बट्टे वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। ये सूत्र था विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य और 100 - R/100। ये एक फॉर्मूला था जिससे आप इसमें रख लें अंकित मूल्य रख लें, इसमें विक्रय मूल्य रख लें और जो आपका बट्टा है वो आराम से निकल कर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, ये व्यक्ति 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है, वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को 6.4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार देता है, तो इस सौदे में उसका लाभ क्या होगा? इसमें आपको सिंपली क्या करना है कि 4% - 6 = 4%, इसमें से घटा लेंगे और उस जो दर आएगी वो हमारी लाभ की दर होगी। तो उस दर से आपको, क्योंकि साधारण ब्याज तो सिंपल इंटरेस्ट है, इसे साधारण तरीके से जोड़ा जाता है, तो इसमें आपको इसी प्रकार करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। इसमें ये मत सोचिएगा कि भाई मैं सोल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि एक तरह से टेस्ट है और टेस्ट में तो ये मान लीजिए ऑप्शन ही पता चल जाए तो वही बधेरा है, जिससे कि आप अपना चेक तो कर पाएं कि आपका क्वेश्चन का आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, जॉर्ज ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की, 4 वर्ष बाद वह राशि ब्याज सहित 770 हो जाती है, तो वह राशि कितनी थी? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं साथियों नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, उसी ब्याज की दर से वह धनराशि कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी? साथियों आपने ये सवाल बहुत बार करे होंगे, लेकिन आज हम एक बार हमारे साथ भी करके देख लें। इस सवाल को करने का एक साधारण सा तरीका है, वो तरीका वैसे मैंने शायद गेर रखा यूट्यूब पे, पता नहीं मेरे ध्यान नहीं है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो वह ब्याज की दर से धनराशि कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी? देखिए साथियों, 5 वर्षों में वो राशि दुगुनी हो गई यानी कि 1 से डबल हो गई, तो आपसे पूछा है कि कितने समय में वो 8 गुनी हो जाएगी, तो आपको सिंपली क्या करना है, 1 से 2 गुनी हुई यानी कि 2 की गुणा हुई है, 2 की गुणा दोबारा करेंगे 4 और 2 की गुणा करेंगे दोबारा 8, और इसी प्रकार वर्ष वर्ष जो है इसका आपको पहाड़ पड़ता चले जाना है, यानी कि 5 + 5 = 5, 5 × 2 = 10 और 5 × 3 = 15, यानी कि आपकी धनराशि 15 वर्षों में, ऑप्शन नंबर 2, 15 वर्षों में डबल हो जाएगी। तो साथियों इस सवाल में आपको करना क्या है, ए और बी मिलकर एक खाई को 12 दिन में खोद सकते हैं, जैसे ए अकेला 28 दिन में खोद सकता है, बी अकेला उसे कितने दिन में खोद सकता है? तो आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, एक आयत का क्षेत्रफल क्या है जिसकी विकर्ण 26 सेंटीमीटर से चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है? तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। एपीसी एक त्रिभुज के अंतर्वृत्त का केंद्र ओ है और बीओसी कोण 110 है, तो बीएसी का मान कितना होगा? तो 17 क्वेश्चन है, इसका 17 का हो जाएगा सेकंड। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, एक समबहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल 1080 है, तो उस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? तो ये हमारा
तो एक समभुज के आंतरिक कोणों का योगफल 1080 है, तो उस बहुभुज में कुल कितनी भुजाएं हैं? तो ये आपका इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। निम्नलिखित में से किसका मान न्यूनतम है? ये सब आपको ऐसे सवाल बहुत मिलेंगे पेपर में जिसमें आपका टाइम ख़राब किया जाएगा, तो इन सवालों में आपको बड़ी चालाकी से इन्हें हल करना है। वैसे इसका ऑप्शन नंबर डी, इसका ऑप्शन नंबर है डी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। एक्स प्लस 1/x बराबर 2, तो एक्स की 4 प्लस 1/x की 4 क्या होगा? साथ ही इस सवाल में आपको याद रखना है, जब भी एक्स प्लस 1/x की पावर 2 आए तो फिर चाहे क्या ना गया। तो साथियों, जो एक्स प्लस 1/x बराबर 2 हो, तो उसमें चाहे एक्स की पावर, जैसे इसमें दे रखी 4 हो, प्लस 1/x की पावर 4 हो, तो एक्स चाहे फिर 5 हो या 8 हो, तो उसका उत्तर 2 ही होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और साथियों, मैं एक वीडियो NTPC और दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल के सब्जेक्ट के ऊपर बनाऊंगा, जिसमें आप दोनों सब्जेक्ट के विषय में बनाऊंगा, जिसमें आप ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि आप दोनों ही पेपर की तैयारी एक ही सिलेबस पढ़कर आराम से कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का सिलेबस एक ही है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो साथियों, आपको ये कैसा लगा हो टेस्ट, तो आप कमेंट बताएं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, और चैनल के सब्सक्राइबर बढ़वाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।